विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में इस बार मेले के दौरान भिक्षा वृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और भिखारियों को कोला वाला टोबा से आगे नहीं आने दिया जाएगा। अश्विन नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को लाइनों में LED के माध्यम से भी माता जी के दर्शन होते रहेंगे और इसके लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रारूप तैयार कर लिया है। ये बात जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंदिर न्यास के भवन मातृ आंचल में अश्विन नवरात्रों की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के उपरांत कही। इससे पहले मंदिर न्यास के भवन मातृ आंचल में जिला प्रशासन की और मंदिर न्यास की मेला प्रबंधों को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल की और इस बैठक में विशेष रूप से जिला पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा भी मौजूद रही। 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अश्विनी मेले के इस बैठक के उपरांत राजेश्वर गोयल ने पत्रकारों को बताया कि मेले के दौरान इस बार भी मंदिर न्यास और जिला प्रशासन बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की वचनबद्ध है और बाहर प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जबकि इस बार भी ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। कोलावाला टोबा सीमा से आगे हिमाचल प्रदेश के बड़े वाहनों मालवाहक वाहनों का आना प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जो भी ट्रैक्टर ट्रक टेम्पो सवारियां लेकर आते हैं वे हिमाचल सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोलावाला टोबा में ही रोक दिया जाएगा। यात्री हिमाचल प्रदेश सीमा में बसों के द्वारा और छोटी गाड़ियां के माध्यम से पहुंचेंगे। इसके अलावा मंदिर के अंदर कड़ा प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। अश्विन मेलों के दौरान SDM स्वर्गार्थ सुभाष गौतम को मेला अधिकारी तथा DSP संजय शर्मा नैना देवी जी को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार सहायक मेला अधिकारी होंगे। जिलाधीश ने बताया कि मेले के दौरान माता के दर्शन के लिए मुख्य मंदिर सुबह 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। मात्र 2 घंटे के लिए आरती के लिए मंदिर बंद होगा और श्रद्धालुओं को 22 घंटे माता के दर्शन नवरात्र के दौरान होते रहेंगे। इस बार एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को LED के माध्यम से भी माता के दर्शन करवाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रारूप तैयार कर लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को रास्ते में भी माता के दर्शन होते रहें और आराम से जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करें। इस मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 600 से ज्यादा होमगार्ड पुलिसकर्मी एक्स सर्विसमैन फौजी तैनात किए जाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार के पास DFMD गेट तैनात किए जाएंगे और मेटल डिटेक्टर के द्वारा श्रद्धालुओं के सामान की चेकिंग की जाएगी, जबकि इस बार की सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए नगर परिषद को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधीश बिलासपुर ने बताया कि ज्यादा भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को छोटे छोटे समूहों में मंदिर में भेजा जाएगा, ताकि माता के दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मेले के दौरान खाद्य वस्तुओं का पूर्ण भंडारण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किए जाने वाले स्वास्थ्य सहायता कक्षों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण उपकरणों की उपलब्धता करवाने के लिए समयबद्ध सूची भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त चिकित्सक फार्मासिस्ट की तैनाती को सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने मेले के दौरान पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए IPH विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बैठक में SDM मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम, मंदिर अधिकारी हुसैन चंद, मंदिर न्यास के सहायक अभियंता प्रेम शर्मा और नगर परिषद अध्यक्ष मनीष शर्मा, अन्य अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
सोलन हिमाचल उत्सव की पांचवी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम से आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज हिमांशु पंबर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज रविंद्र कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत पम्मी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोक गायकों और पंजाबी कलाकारों ने संध्या में खूब रंग जमाया, जिसका उपस्थित दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में पंजाब दूरदर्शन के कलाकार डोनी राणा ने पंजाबी गीतों पर खूब मनोरंजन किया। वहीं मोहित गर्ग ने दर्शकों को खूब झुमाया। दीपक जंदेबा और मदन झाल्टा ने अपने पहाड़ी गीतों से लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में मनु शर्मा हिमाचल आइडल बनी और राहुल दूसरे पायदान तो शुभम शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। तीनों विजेताओं की भैरवी प्रोडक्शन द्वारा निशुल्क एल्बम निकाली जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि हिमांशु पंवर ने कहा कि डायनेमिक इंडिया युवा मंडल पिछले 17 वर्षों से लगातार हिमाचली कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है, जो एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सवों से ही हिमाचल की संस्कृति आज तक जिंदा है, इसलिए इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए। वहीं इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत पम्मी ने कहा कि हर घर में संगीत होना चाहिए, क्योंकि संगीत ही जीवन में रंग भरता है और जीना सिखाता है और सुख दुख का एहसास दिलाता है।